So hello everyone, today we are going to discuss cell. Okay, so सबसे पहले आपको पता होना चाहिए सेल के बारे में, ठीक है। तो सेल क्या है, यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे सेल, ठीक है। अब देखो सेल क्या है, पहली बात सेल कहते हैं कि यूनिट ऑफ लाइफ। ओके, सेल इज़ द स्ट्रक्चरल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। ओके, तो इसका मतलब क्या हुआ, ठीक है, यू शुड बी नो अबाउट दैट, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट वर्ड्स। ओके, सो इसमें क्या है, पहले देखो सेल अगर आप स्ट्रक्चर देखोगे तो कुछ आपको सेल का स्ट्रक्चर कैसा दिखेगा, दिस वन लाइक दैट। ये आपका कुछ मींस स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क है किसका, सेल का, ठीक है। तो इसके देखो ये है आपका सिंगल लेयर, ठीक है। होता क्या है कि ये होती है डबल लेयर, ठीक। ये आपका हो गया एक मेम्ब्रेन, ठीक है। ये आपका एक्सटर्नल हो गया, एक्सटर्नल मींस आउटर लेयर है तो इसको बोलते हैं एक्सटर्नल, ठीक है। इसको बोलते हैं इंटरनल लेयर, ओके, क्योंकि ये इनसाइड है, ठीक है, एक चीज़ हो गई, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं कि ये जो सेल है आपकी, होल सेल, सपोज दैट एक आपका क्या है, ये आपका कोई दीवार है, ठीक है, दीवार है जिसमें ये सारी, दीवार का निर्माण किससे होगा आपका, फॉर्मेशन ऑफ वॉल इज फ्रॉम ब्रिक्स, ब्रिक्स मीन्स ईंट, ईंटें हैं, ठीक है। तो इसमें जो सिंगल ये चीज़ है, एक सिंगल ईंट को आप अगर बाहर निकालोगे, ब्रिक्स को, ठीक है, तो ये आपका इस पूरी दीवार की यूनिट हुई, ठीक है, यूनिट हुई, ठीक है। तो इसी तरह से क्या है, सेल का कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो सपोज दैट ये आपका स्किन है, ठीक है, मैंने इतना आपकी स्किन से स्किन का पार्ट ले लिया, ठीक है। इसमें क्या होते हैं, इस स्किन में बहुत सारी सेल्स होती हैं, ठीक है, ठीक है। तो अगर आप एक सेल को निकालोगे और इसको, क्योंकि ये काफ़ी स्मॉल साइज होता है, ठीक है, तो इसको अगर आप इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखोगे तो स्ट्रक्चर जो आपको दिखेगा, ये स्ट्रक्चर दिखेगा कुछ यू टाइप, ओके। ये आपका क्या है, सेल, ठीक है। तो इसमें देखो एक सेल का, अगर एक एक सेल जो है ये कहलाएगी यूनिट, ठीक है। इसको हमने किस में देखा, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में। तो ये जो आपकी स्मॉल ड्रॉप्स हैं, ये कुछ स्ट्रक्चर आपको इस टाइप से दिखेगा, ठीक। ये आपका स्ट्रक्चर इस टाइप से दिखेगा। आफ्टर दैट देखो इसमें जो सेंटर पॉइंट है, दिस वन, ठीक है, ये आपका जो सेंटर पॉइंट है इसको हम बोलते हैं न्यूक्लियस, जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट ऑर्गन है इस सेल का, ठीक है। अब देखो इसको क्या बोले थे, हमने डिफिनीशन जो दी थी वो बोल, डिफिनीशन में क्या लिखा था, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल, ठीक है। स्ट्रक्चरल मीन्स एक एक जो सेल है ये निर्माण किसका कर रही है, एक स्किन की लेयर का निर्माण कर रही है, ठीक है। तो इससे क्या होगा, एक स्ट्रक्चर को ये शेप दे रही है, इसलिए इसको हम क्या बोला, स्ट्रक्चरल, ठीक है। सेकेंड अगर हम बोलते हैं फंक्शनल, तो इसका फंक्शनल मीन्स, अब देखो मैंने स्ट्रक्चर तो ड्रा कर लिया यहाँ पे, अब हम बात करते हैं कि भी फंक्शनल कैसे होगा, ठीक है, इसकी बात करते हैं, ठीक है। अब देखो एक सेल है, ठीक है, सेल में क्या है, बहुत सारे ऑर्गन्स हैं, दिस इज़ न्यूक्लियस, अंदर क्या होगा, क्रोमोसोम्स होंगे, ठीक है, और इसके ऊपर बहुत, इसके ऊपर क्या होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम टाइप के, इस टाइप से
कुछ लेयर्स निकली होती हैं, ठीक है। और इसमें क्या होगा, कुछ माइटोकांड्रिया टाइप का होंगे स्ट्रक्चरल, ठीक है, क्लोरोप्लास्ट होंगे, ठीक है। अब एक एक आर्गन का क्या है कि राइबोसोम होंगे, जैसे राइबोसोम ले लो तो इसका क्या काम है कि प्रोटीन की सिंथेसिस करेगा ये, ठीक। गॉल्जी बॉडी का काम है कि ये लिपिड की सिंथेसिस करेगा, लिपिड की सिंथेसिस करेगा, लिपिड की सिंथेसिस करेगा, ठीक है। तो देखो क्या है, बॉडी को क्या क्या मिल रहा है, लिपिड भी मिल रहा है, यहाँ पे राइबोसोम से प्रोटीन मिल रहा है, ठीक है। कुछ में अगर प्लांट सेल में है तो क्लोरोप्लास्ट होगा, ठीक है। क्लोरोप्लास्ट है, यहाँ पे फोटोसिंथेसिस हो रही है, फोटोसिंथेसिस मींस कार्बोहाइड्रेट का निर्माण हो रहा है। माइटोकांड्रिया से क्या है, एटीपी का निर्माण हो रहा है, एटीपी से हमें क्या मिलता है, एटीपी क्या प्रोवाइड करता है आपको, एनर्जी बॉडी को, ठीक है। देखो यहाँ पे फंक्शनल, जो बॉडी का फंक्शनल है वो क्या डिसाइड, कौन डिसाइड कर रहा है, एक यूनिट सेल, एक यूनिट मींस एक सेल डिसाइड कर रही है, ठीक है। ये उतना ही इम्पोर्टेंस है जितना और अदर सेल का है, ठीक है। तो एक सेल क्या है, यहाँ पे एक फंक्शनल यूनिट की तरह काम कर रही है, ठीक है। तो आपको पता हो गया होगा, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, फंक्शनल। तो एक सेल को अगर डिफाइन कोई करता है तो क्या बोलता है, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, ओके। तो ये इसका फंडा है, ठीक है। तो स्ट्रक्चरल क्यों है, स्ट्रक्चरल इसलिए है कि ये एक फ्रेम को, एक फ्रेम का निर्माण कर रहा है, फ्रेम का, फ्रेम फॉर्मेशन। स्किन इसका एग्जांपल ले सकते हो, ठीक है। दूसरा क्या है, फंक्शनल की जब बात करते हैं, ठीक है, आपने फंक्शनल यूनिट, फंक्शनल क्यों है, क्योंकि एक सेल क्या कर रही है, बहुत सारी चीज़ों का सिंथेसिस कर रही है, सिंथेसिस ऑफ बायोमॉलिक्यूल, ओके, जो कि क्या है, बायोमॉलिक्यूल, ओके, जो कि बॉडी के लिए, किसी भी बॉडी के लिए, बॉडी आइदर प्लांट की होगी या एनिमल की होगी, तो दोनों के लिए एसेंशियल है, ठीक है। क्योंकि उस इसी से आपको, इस बायो मॉलिक्यूल से उसको सारे फंक्स मीन्स एटीपी, उसको एनर्जी भी मिलेगी, कार्बोहाइड्रेट भी मिलेगा, प्रोटीन भी मिलेगा, जिससे सेल की ग्रोथ होगी, ठीक है, ये सेल की ग्रोथ होगी। तो ये डिफाइन, ये इसका कॉन्सेप्ट है। तो ये डिफिनीसन हो गई, आपको पता होना चाहिए कॉन्सेप्चुअल की, इसको सेल को हम स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ क्यों बोलते हैं, ठीक है। चलो ये हो गया, अब हम बात करते हैं, अब हम किसकी बात करते हैं। देखो सेल की खोज किया था 1600, हाँ, सेल की खोज किसने की, सबसे पहले सेल को किसने देखा, ये क्वेश्चन आता है। तो एक साइंटिस्ट थे रॉबर्ट हुक, ये 1665, ठीक, ग्रेट डिस्कवरी, उन्होंने कहाँ पे देखा इसको, एक्चुअली दिस इज़ द बॉटल, ठीक है, ये उनकी बॉटल थी, इसके ऊपर कार्क एक लगी हुई थी, उन्होंने कार्क को खोला, ठीक, कार्क को खोला तो उस कार्क पे क्या था, ये सपोज दैट इसका कैप है, इसके अंदर बहुत सारी उन्होंने क्या देखी, एक स्पॉटेड स्ट्रक्चर देखी, दिस इज द स्पॉटेड स्ट्रक्चर, ठीक है। इन्होंने इस स्पॉटेड स्ट्रक्चर को जब उसमें देखा इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में, तब उन्होंने देखा कि ये ड्रॉप्स के अंदर बहुत कुछ स्फेरिकल टाइप की दिखी, और उनको बहुत सारे इसमें आर्गन्स दिखे, ठीक है। तो उसके बेस पे इन्होंने सबसे पहले जो नाम दिया, उन्होंने इसका नाम पहले दिया सेलुला, क्या नाम दिया, उन्होंने नाम दिया सेलुला, क्या बोला, सेलुला, ठीक है। बाद में इसको नाम दिया गया सेल। तो डिस्कवरी जो थी ये 1665 बाय रॉबर्ट हुक, ओके, सो इट इज़ द ग्रेट डिस्कवरी फॉर इन बायोलॉजी, ओके। दूसरा बात आता है, अगर हम बात करेंगे, दूसरा बात करेंगे
थ्योरी मीन्स रॉबर्ट हुक हो गया, सेकंड है ओके सेकंड हम इसका जो बात करते हैं थोड़ा फ्रेमवर्क की बात करते हैं मैंने, ठीक है। तो ये इसका फ्रेमवर्क हो गया, जो सेल का स्ट्रक्चर है वो कुछ यू टाइप होता है, ठीक है। बहुत अच्छा नहीं बना स्ट्रक्चर, बट यू कैन अंडरस्टैंड। ओके ठीक, ये आपका क्या हुआ, एक सेल का स्ट्रक्चर है, ठीक है। जो मैंने ड्रॉप्स दिखाई थी ये, इसका अगर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखोगे आप तो कुछ यूँ दिखेगा, ठीक है। अब देखो सेंटर में क्या हो गया, ये आपका हो गया न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस में क्या हो गया, क्रोमोसोम्स, ठीक है। ये एम्बेडेड होते हैं क्रोमोसोम्स। इसका जो लेयर है, ठीक है, ये टू लेयर्स का होता है सेल, अगर देखोगे तो इसको बोलते हैं आउटर लेयर, क्या बोलते हैं आउटर, इसको बोलते हैं इनर। आउटर को आप एक्सटर्नल भी बोल सकते हैं, इनर को आप इंटरनल भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर एक क्या होता है, इसके अंदर एक जीव द्रव्य, क्या बोलते हैं, प्रोटोसाइटोप्लाज्म, ओके। ठीक है, ये आपका फ्लूइड भरा होता है, ठीक है, क्योंकि किस इसके अंदर बहुत सारे ऑर्गेनेल्स होते हैं, और कोई भी इस चीज़ के अंदर फ्लूइड अगर है तो एक लिविंग बिहेव करेगा, ठीक है। अगर इसके अंदर सॉलिड नेचर होगा तो वो मीन्स क्या बोलते हैं, नॉन लिविंग की तरह उसके ऑर्गन्स पे इफेक्ट पड़ेगा, और उसको जो भी न्यूट्रिएंट्स है नहीं मिलेंगे तो अपना फंक्शनलिटी खो देगा, ठीक है। तो इसके अंदर क्या भरा होगा, ये साइटोप्लाज्म, ओके। साइटोप्लाज्म क्यों बोलते हैं, क्योंकि सेल के अंदर है, ठीक है। सेल, इसको हम जब सेल की स्ट्रक्चर जब सेल पढ़ते हैं उसको, उस ब्रांच को क्या बोलते हैं, सेल बायोलॉजी, क्या बोलते हैं, सेल बायोलॉजी, ओके। या आपको कह सकते हो साइटोलॉजी, ओके। तो इसके अंदर सपोज दैट ये प्लांट सेल है, तो इसके अंदर क्या होगा आपका, माइटोकांड्रिया होगा, ठीक है, माइटोकांड्रिया होगा, ठीक है। दूसरा इसमें राइबोसोम्स होंगे, ठीक है, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के यू स्ट्रक्चर होंगे इसके, ठीक है। इसमें लाइसोसोम्स होंगे, ठीक है, दूसरे कलर से हम दिखा रहे हैं, ठीक है। तो ये हो गया, हाँ ठीक है। ये आपके क्या हो गए, ये जो आपका हो गया, इसके अंदर कुछ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर क्या होता है, ड्रॉप्स स्ट्रक्चर होते हैं, ठीक है। ये ड्रॉप्स स्ट्रक्चर बोलते हैं राइबोसोम, क्या होता है, राइबोसोम, ठीक है। इसको अगर हम नाम दोगे तो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये आपका न्यूक्लियस हो जाएगा, ठीक है, न्यूक्लियस, और ये आपके क्या हो जाएंगे, क्रोमोसोम, ठीक है। रफली वी आर रिप्रेजेंटेड हियर, ओके, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं एक एक चीज़ की, ठीक है। नेक्स्ट टाइम हम बात करेंगे एक एक स्ट्रक्चर की, ठीक है। हम सबसे पहले लेंगे इस स्ट्रक्चर को, ठीक है, सेल वॉल, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, सेल वॉल, ठीक है। फिर हम न्यूक्लियस का डिस्कस करेंगे, फिर नेक्स्ट पार्ट को डिस्कस करेंगे, ठीक है, एक एक करके, तो आपको समझ में आएगा, ठीक है। तो चलो आज इतना ही, नेक्स्ट टाइम मिलते हैं, ठीक है, ओके।